किसने तो किया? सिचुएशन क्या है जीरो? क्या लगता है? सुसाइड या मर्डर? सर इनिशियल सिचुएशन से तो सुसाइड ही लग रहा है। ओके काम करो, प्रेस आने से पहले बॉडी हटा दो। हाँ ब्लड सैंपल्स लेना बोलना वो। यस सर, वो ऑलरेडी मैंने फोन से को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं। इंसिडेंट का टाइमिंग क्या था? अराउंड 4 o'clock सर। रिपोर्टिंग टाइम? 3:15 सर। काम करो, डिस्पोजल में 4 का डाल दो। ओके सर। आसपास वाले इंक्वायरी की? पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा चल रहा था, इतना ज्यादा आवाज था कि बाहर तक आ रहा था। काम करो, इसके हस्बैंड को लेके पुलिस स्टेशन। यस सर। सुसाइड केस था, उसी में उलझा हुआ था। एक पत्नी ने पति से झगड़ा करके हाथ की नस काट दी। हिम्मत वाली थी, सीधा नस ही काट ली। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते। यार ये क्या है तुम्हारा? पहले टेंशन में मैं तुम्हारा तमाशा चल रहा है। रिपोर्ट्स आई? ठीक है, अरविंद से फॉलो अप करो, जैसी आती मुझे व्हाट्सएप करो। रात बाहर के लोगों के लिए अपना घर परिवार छोड़कर काम करते रहते हो। सुबह सुबह इंस्पेक्टर की बीवी का चेन चोरी हो गया है। मैं किसका चेन चोरी हुआ? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? लगता है मैम का चेन चोरी हो गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम तो ठीक हो ना? बाहर के लोग पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले के घर पे चोरी हो तो हम कहां जाएंगे? पुलिस वालों को? हेलो, एक और सुसाइड? किस एरिया? रुक रुक, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अंशिका चलो, एक और सुसाइड। अंशिका कॉफी खत्म करके जाओ। वाले सोसाइटी से सही लग रहा है। हाँ सर, इस लड़की ने भी अपना नस काट लिया। कुछ ज्यादा ही कॉमन नहीं लग रहा दोनों दर्द में? देखते फिलहाल तो ये भी सोसाइटी है। ये कौन है? इस लड़की का हस्बैंड। इसका फोन पता करो। और तुम मिस्टर, ये सब वजह तुम कहाँ आते? सर मैं कुछ काम से बाहर गया था, मुझे श्रीवास्तव जी ने इन्फॉर्म किया, उन्होंने देखा और बताया कि दरवाजा बाहर से। काम करो, श्रीवास्तव से सारी डिटेल्स कलेक्ट करो और फॉरेंसिक को बोलो सारे आके ब्लड सैंपल्स लें। सर फोन रिकवर हो गया है, पर पेडल लॉक करवाने के लिए किसी आते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। यस सर। हाँ सर, स्पॉट पे यू। ठीक है, आप आइए मेरे को। मर्डर है या सुसाइड? फोरेंसिक वालों की तरफ से कोई भी क्लू मिला? सर सेक्शन 174 ही है। तुमने रिपोर्ट पढ़े? मरने वालों में से किसी भी तरह का कनेक्शन या कोई भी सिमिलैरिटीज है? सर मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, तभी मैं बोल रहा, मैंने चेकआउट किया कि दोनों लड़कियों में कुछ कनेक्शन नहीं पाया गया। बस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से इतना पता चला कि दोनों घरेलू झगड़े से परेशान थी,
तो उस वजह से उनका सुसाइड का कारण बन सकता है। अभी तक तो यही सिमिलैरिटी सामने आई है। इनके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड एंड सीसीटीवी फुटेज चेक करो एंड मैच करो, देन सेंड मी। सर कॉल रिकॉर्ड तो सामने ही वाले हैं। पोस्टमैन का कहना है सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और पहले वाले केस में भी यही सीन है। दोनों जगह का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? सर कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। किसी बात पे झगड़े या कोई तनाव या तुमने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से वो सह ना पाई? तब तो मुझे कुछ और ही लगता है, शायद तुम किसी चीज के लायक नहीं हो इसीलिए झगड़े हुए करते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हाल फिलहाल में कोई फ्लैट खाली किया है? हाँ सर, एक दो दिन पहले ही एक बच्चे लड़का ने रूम खाली करके चला गया। स्मार्ट जवान लड़का, उसने बुलेट भी रखा। दरवाजे के कॉर्नर में पड़ा था। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अंदर ही रहती हो, बाहर होगी तो पता चलेगा ना। तुम कौन और तुमसे क्या मतलब? पेइंग गेस्ट के लिए देखा था रिक्वायरमेंट, नो ब्रोकरेज के लिए, इसलिए आया हूँ। अभी घर के ओनर घर पर नहीं है। तो तुम घर की ओनर नहीं हो? नहीं, अगर घर के किराए पे चाहिए तो अपना नंबर देखा जाओ। मैं मोबाइल फोन ये सब यूज नहीं करता और मेरी इस बात पे कोई यकीन नहीं करता, आप ही अपना नंबर दे दीजिए। मैं अनजान लोगों को अपना नंबर नहीं देती। तो आधार ही नंबर दे दो। ओके सॉरी, मैं शाम में आता हूँ, बाय। हेलो। हाँ अभी क्या हुआ तुझे, आजकल तो दिखती नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन प्रॉब्लम ना हो? डेली तो ये शराब पीते हैं, मेरे ऊपर तो ख्याल ही नहीं है जरा सा भी इनका, बस बाहर की चिंता करते रहते और टेंशन लेते रहते। अगर तुझे इतना ही टेंशन हो रहा है तो उनकी तरह पीना स्टार्ट कर लेना। आज तो सोच ही रही हूँ कि मैं भी ट्राई कर ही लूँ। कुछ स्पेशल भेजो क्या तेरे लिए? तू बोल बस। वो सब तो है यार, बस एक कंपनी देने वाला चाहिए। अच्छा सुन, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में लगा दूँ, ठीक है? सर वो दो लड़के जिसने सुसाइड किया था उनके कॉल डिटेल्स आ गए थे। लगता है आजकल घर में बातें नहीं होती, सारे शब्द जब प्यार किए तभी खत्म कर दिए। सर मैंने चेक किया, दोनों में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तुम चाहे जितने भी लॉजिकल रीजन बता दो, लेकिन मेरे इतने साल का अनुभव ये मानने को तैयार नहीं कि ये सुसाइड है। सर एक इम्पोर्टेंट बात सामने आई है, तो दोनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर थे, जब उनके हस्बैंड को अच्छे से तोड़ा तो उन्होंने बताया। उसे ट्रैक डाउन किया, कुछ डिटेल मिले, कौन थे वो लड़के? सर इंफॉर्मेशन से पता चला है कि लड़के नहीं एक ही लड़का था, काफी बदनाम प्लेबॉय सीरियल का। तुम फिर से आ गए, तुमसे कहा था ना कि घर का ओनर यहाँ पे नहीं है, चले जाओ इसे। इसे मैं खत्म कर दूंगा। ईएमआई की बात कर रहा हूँ, क्या जब तक मैं ईएमआई खत्म नहीं करूंगा तब तक सारे बैंक घर के ओनर नहीं। हमें लगता है फर्स्ट सस्पेक्ट मिल गया है विद स्ट्रांग मोटिव। घर बारे के लिए कोई तो आया है, कह रहे कि घर बंद ही रहना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे तुम कभी सीधे से जवाब नहीं दे सकते ना सर। बट दोनों स्टूडेंट के टाइम वो शहर में था ही नहीं, मैंने इंक्वायरी किया, बट अरेस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिव एलिबल चाहिए। कितने लोग रहेंगे? अकेला ही रहूंगा। रात को टाइम से घर आना पड़ेगा वरना कंपाउंड से आ जाए। नहीं टेंशन मत करो, मैं एक्चुअली रात को घर नहीं आऊंगा। क्यों वॉचमैन ने दिखा दिया, रेंट चिल्लर में तो नहीं दोगे ना? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्लब में डीजे डीजे बता रहा हूं। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं। वो एक्चुअली मेरे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने दिया, ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हमारे घर रेंट पे कोई आया है। क्यों अचानक? घर बंद ही रहता है ना। बॉस ने क्या बोला इस बारे में? वो क्या बोलेंगे, कुछ भी करने बोल दिया। जब वो घर पे आते हैं मैं घर पे रहूँ या नहीं रहूँ उन्हें तो दिखता ही नहीं है। अच्छा सुन, जो ये रेंट के लिए आया है ना, कैसे दिखता है, स्टार है क्या? डीजे कॉलेज के पप्पू जैसा दिखता है, फ्लैश पप्पू को कॉलेज में देखा जैसा। पप्पू जैसा?
मुस्कुराता भी वैसी ही है। आरिश मिला है क्या उसे? घर आएंगे तो ना देखेंगे। मुझे उससे मिलना है। तुझे उससे मिलाने का कोई प्लान नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, सुन नेक्स्ट संडे ना तू और आरिश मेरे यहाँ पे आ जाओ, डिनर करते ना जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स। ठीक है डन रहा। सर इन्फॉर्मेशन मिली है एक और सुसाइड केस डिटेक्ट हुआ है उसी एरिया में विद सेम मॉडस ऑफ ऑपरेटी, लड़की शादीशुदा है, अंशिका स्पॉट पे है, तो मैं जाऊं? नहीं तुम यहीं रुको, कुछ डिटेल चेक कर रहे हैं। अंशिका का फोन आया था, उसने साइबर क्राइम से सारे चीजें कलेक्ट कर लिए, आती ही होगी। इस बार फॉरेंसिक वालों को वहां से मल्टीपल ब्लड ट्रेसेस मिले हैं, मेजर ब्रेक उसको मिल सकता है। ठीक है सर, मेरे को ऐसा लगता है वही लड़का उसी सोसाइटी में देखा गया, वो बुलेट वाला लड़का हो सकता है शायद। अर्पित साइबर डिपार्टमेंट में ही हो ना अभी? मैं एक नंबर भेजो, किसके नाम पे है बताओ। व्हाट? Are you sure? आरुष के नाम पर रजिस्टर है? सर एक मेजर फैक्टर सामने आया है, टोल लोकेशन से पता चल गया तो सभी लड़के एक ही क्लब के मेंबर थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगाया, वो साथ ही होगा। बट आरुष सर का नंबर? अंशिका डोंट पैनिक, हम तो कुछ मिस कर रहे हैं, देखते हैं क्लब वाले सीसीटीवी से और कितना क्लियर हो। चलो मैं डीजे डांस करती हूँ, ऐसे भी मुझे तुमसे बात करने में बहुत मजा आता है। चलो किसने किया है सब? कौन किराया था? क्या उसी ने ये सब किया? मुझे मारना था। तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये ट्रक के फ्रेंड्स हैं। चलो उठो, डरो मत, तुम्हारी क्लब फ्रेंड मारी जा रही है, पता है क्यों? बैड कंपनी, तुम्हारे उस लड़के के बीच कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन पहले ऐसा तो नहीं था। तुम्ही ने कहा ना इस रूम में कोई है? सो मी। लगता है आर्या से कुछ ज्यादा ही बातें करती है। बट उसे आपके पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर शी इज स्किज़ोफ्रेनिक, एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें माइंड और बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। सर चार्ज उतना फर्क नहीं पड़ता, एक परछाई को अपने माइंड में कैरेक्टर बना के उसके साथ जी रही है। बट वो कल्पना में जी रही है, इसकी वजह क्या है? सर इसकी बहुत सारी रीजन, 2 साल पहले उसका बेबी जन्म लेके मर गया और वो इंस्टेंटली डिप्रेशन में चली गई। आरुष ने काम पे अपनी जिंदगी गुमा दी, उसको आरुष की बहुत ज्यादा जरूरत है। अकेलेपन की वजह से आरुष का भी एक चेहरा बना के अपने माइंड में एक कैरेक्टर बना लिया और उसके साथ जी लिया। बट उसने उन लड़कियों के बारे में बताया? उन लड़कियों के अफेयर्स थे, शी थॉट दे वर बैड काम, उसे लगा कि वो सब भी इसे आरुष से दूर कर देते हैं। खुद के माइंड पर और बॉडी पर कंट्रोल ना होने की वजह से ये सब होता है। बट उसका ब्लड रिपोर्ट है आपके पास? नो सर, बट आई कैन हेल्प यू इन दिस। ये क्या हो रहा है सर?